मूवी के साथ में हम बहुत सारे जेबराज को देखते हैं जो कि जंगल में एक जगह पर खेल रहे थे यही इनका घर था और बाकी सारे एनिमल्स इनके घर तक ना पहुंचे इसी वजह से इन्होंने अपने ही एरिया के आस पास एक नकीली सी बाउंड्री बनाई थी ये सारे जेबराज इसी एरिया में खुशी खुशी रहा करते थे एक दिन इनके लीडर के घर बेबी होने वाला था ये न्यूज सुनकर सारे जेबराज बहुत ज्यादा खुश थे और जैसे ही इनको पता चलता है की बेबी दुनिया में आ गया है, तो ये सब उसे देखने जाते हैं और उसको देखते साथ ही सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बेबी जैबरा के आधी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स नहीं थी जिसको देख कर सब ने उसे यही कहा कि ये तो कर्स्ट है और अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा सब जेब्रास को बस यही लग रहा था कि बेबी जेबरा बहुत ही ज्यादा अनलकी होगा और इनके पीने वाला पानी इसी की वजह से शायद खत्म हो जाए बेबी जेब्रा के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम तो हमारे बेबी हो और जो ये ज़ेब्रास कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं तुम तो हमारे खुम्बा हो जिसके बाद से इस बेबी ज़ेब्रा का नाम खुम्बा रख दिया था जिसका मतलब था कभी भी हार ना मानने वाला अब जिस जगह पर ये सारे ज़ेब्रास रहते थे वहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड था जहाँ पे पानी था और यही बस इनका सहारा था जिंदा रहने का आहिस्ता आहिस्ता इस जगह के ऊपर पानी खत्म होने लगा था एक दिन जब खुम्बा उस जगह पे पानी पीने जाता है तो वहाँ पर काफी तो मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो सिर्फ हाफ जेब्रा हो तुम्हारी आधी बॉडी के ऊपर तो ऐसे मार्क्स है ही नहीं अब इन सारी बातों से खुम्बा बहुत ज्यादा हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है वो अपनी सोचों में ही गुम था की कैसे पूरी लाइफ उसने ऐसे ही गुजारी है और हर एक उसका कितना मजाक उड़ाता है इतनी ही देर में उसके पास एक छोटा सा ग्रास आता है जो कि उसे मिट्टी में कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा था बट खुम्बा को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी वो तो पहले ही बहुत ज्यादा तंग था इस सब के बाद खुम्बा अब घर वापस जाने लगा था बट बाउंड्री की दूसरी साइड से उसे कुछ एनिमल्स की आवाज आती है जो कि उसे ये कह रहे थे कि उन्हें प्यास लग रही है और वो उन्हें थोड़ा सा पानी दे दे अब खुम्बा एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड जेबरा था जिसके बाद वो थोड़ी सी बाउंड्री खोल देता है कोई के कोई एनिमल अंदर आके पानी पी ले अब इसके बाद कुछ एनिमल्स अंदर आके पानी पीते हैं जब बाकी सारे ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो खुम्बा को बहुत ज्यादा डांटते भी है और बाकी सारे एनिमल्स को वहाँ ऐसी भगा देते हैं अब यहाँ पर बाहरी एक टाइगर भी था जो की इसी वेट में था की कि किसी तरीके ऐसी बाउंड्री खुले और वो इन सब जेबराज के ऊपर अटैक कर दे ये टाइगर अब अंदर आ नहीं वाला था इससे पहले कि वो किसी को भी हर्ट करता यहाँ पर खुम्बा के जो की इन सब के लीडर थे वो आकर इस बाउंड रिवॉल्व को बंद कर देते हैं जिसके बाद वो टाइगर वापस बाहर ही रह जाता है पर इस सबसे पहले उसने खुम्बा को स्मेल कर लिया था और उसे खुम्बा की स्मेल बहुत अच्छी लगी थी जिसके बाद वो सबको धमकी देता है की अभी तो तुम सब लोग मुझसे बच गए हो पर जब तुम लोगों का पानी खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा जिसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगा इस सब के बाद तो खुम्बा को अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा डांट पड़ती है कि उसकी वजह से सारे जेब्रास की जान खतरे में थी ऐसे तो वो टाइगर इन सब पर हमला कर देता क्योंकि उसने बाउंड्री वॉल ही खोल दी थी अब वो उदास होकर अपनी मॉम के पास चला जाता है जो कि खुम्बा को उदास देखकर उसे एक स्टोरी सुनाती है खुम्बा को वो बताती है की कैसे बहुत सालों पहले किसी भी जेब्रा के ऊपर कोई भी लाइन नहीं थी यानी के सब ही बिल्कुल वाइट थे जिसके बाद एक जेब्रा किसी मैजिकल पॉन में गया था जिसके अंदर से गुजरने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्राइप आ गई और उसको फॉलो करते करते बाकी सारे जेब्रास भी उस पॉन्ड में चले गए थे और उसके बाद से सब जेब्रास के ऊपर ऐसे लाइंस आ गई थी कुम्बा को याद आता है कि वो ग्रास हॉपर भी उसे कोई मैप ड्रॉ करके दिखा रहा था और हो सकता है कि ये शायद वही मैजिकल पॉन का एड्रेस हो अब यहाँ पर कुम्बा को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो अपनी मॉम की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो ग्रास हॉपर कुछ ड्रॉ कर रहा था उसे देखते साथ ही खुम्बा बिल्कुल समझ जाता है कि ये शायद एक मैप ही है जिसके बाद वो एक्साइटमेंट में अपनी मॉम को बताने जाता है कि अब वो भी बाकी सब जैसे लोगों की तरह हो जाएगा पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि बहुत सारे जैबरा इकट्ठे है पता चलता है कि खुम्बा की मॉम की डेथ हो गई है वो बहुत अरसे बीमार थी खुम्बा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में भी अपनी मॉम की पूरी बात नहीं सुनी थी और वो वहाँ से चला गया था अब तो इसके बाद खुम्बा कुछ भी नहीं सोचता और भागने लगता है और ऐसे ही बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है उसका बस अब एक ही मिशन था कि उस मैजिकल पॉन्ड में पहुँच कर अपनी स्ट्राइव वापस ले आए अब बाहर की दुनिया तो कभी उसने देखी नहीं थी जिसकी वजह ऐसी उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था अब ऐसे ही रास्ते में उसे एक वाइल्ड डॉग मिलता है जिसको रुक कर वो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या मैजिकल पॉन्ड का रास्ता पता है वो वाइल्ड डॉग बहुत ही ज्यादा शार्प था जिसके बाद वो खुम्बा से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ रास्ते में चलते चलते खुम्बा को एक वाइल्ड पीस मिलता है जिसका नाम मामा भी था और एक ऑस्ट्रिच जिसका नाम ब्रैडली था अब ये दोनों भी खुम्बा के साथ आगे चलने लगते हैं। वो वाइल्ड डॉग तो बहुत ही ज्यादा तेज था जिसके बाद वो इन तीनों को लेकर अपने ही पैक के पास पहुँचता है वो सब इन पर अटैक करने लगते है पर मामा भी बहुत शार्प थी वो इन सब से डट के मुकाबला करती है और ऑस्ट्रिच को और यहाँ पर खुम्बा को बचा लेती है इसके बाद खुम्बा को काफी अफसोस होता है कि उसकी वजह से इन दोनों की जान भी खतरे में पड़ गई थी अब इसके बाद वो अपनी पूरी स्टोरी इनको बताता है कि कैसे वो मैजिकल पॉन की तलाश में बाहर निकला है जिसके बाद मामा भी को उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और वो उसे कहती है की हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे दूसरी तरफ खुम्बा के डैड को भी काफी देर से ऐसे ही फील हो रहा था की खुम्बा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा जिसके बाद वो ढूंढते हैं और देखते हैं कि खुम्बा मिसिंग है अब वो भी समझ गए थे कि वो जरूर किसी तरीके से बाउंड्री वॉल क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी जगह पर किसी और को बाउंड्री का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद ही बाहर चले जाते हैं दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं जिसके पास वो वाइल्ड डॉग पहुँच चुका था और टाइगर को पता चल गया था की खुम्बा ऐसे बाउंड्री से बाहर आ गया है और वो अब उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है दूसरी तरफ मामा भी खुम्बा और ऑस्ट्रिच पूरा दिन सफर करते रहते हैं और अब काफी रात हो गई थी जिसके बाद मामा भी कहती है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए वो इन दोनों को आग जला कर देती है जिसके बाद पूरी रात ये बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं सुबह उठते ही ये तीनों अपने सफर पे आगे निकल जाते हैं अब वो टाइगर इनको ढूंढते ढूंढते इस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उसे वो बुझी हुई आग मिलती है और वो समझ जाता है कि वो ठीक जगह पर पहुंच चुका है और ऐसे ही फॉलो करते करते कुंभा तक पहुंच जाएगा अब जब खुम्बा के डैड उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें खुम्बा के फुटस्टेप्स मिलते हैं और वो काफी खुश होते हैं कि शायद वो उस तक पहुंच ही जाए पर थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें टाइगर के भी फुटस्टेप्स नजर आते हैं जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास होकर वापस पहुँचते हैं वापस आने के बाद वो सारे बाकी जेब्रास को बताते हैं की शायद अब टाइगर ने खुम्बा को खा लिया होगा क्यूँकी उसे दोनों के फुट मिल चुके हैं ये सुनने के बाद एक जेब्रा कहता है की चलो शुक्र है अब यहाँ पर बारिश हो जाएगी क्योंकि जो कर्स्ट कष्ट था वो तो खत्म हो गया इसको सुनते साथ ही उसकी छोटी बेटी कहती है कि डैड तो खुम्बा मिल नहीं रहा और आप ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामा भी खुम्बा और वो ऑस्ट्रिच चलते चलते उन माउंटेन्स तक पहुँच जाते हैं जो की उस मैप में उस क्रॉस ओवर ने बनाए थे इन माउंटेन्स के पास ही एक छोटा सा पॉन्ड भी था जिसको देख कर खुम्बा बहुत ज्यादा खुश होता है उसे लगता है की शायद ये वही पॉन्ड है जिसमे जाने के बाद उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स वापस आ जाएंगे और ऐसे ही वो उस पॉन में छलांग लगा देता है बट वहाँ पर जाने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं आता और खुम्बा समझ जाता है कि ये वो पॉन नहीं जिसके बारे में उसकी मॉम ने उसे बताया था अब इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ और छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जिनको देखने के बाद हमें पता चलता है की ये लोग एक टूरिस्ट पार्क में पहुँच चुके हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे जो की उनकी पिक्चर्स लेने लगते है जब इन टूरिस्ट की नज़र खुम्बा पे पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि खुम्बा तो बहुत ही ज्यादा यूनिक था और वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरीके से इसको पकड़ लिया जाए अब यहाँ पर एक ट्रक आता है और खुम्बा को पकड़ भी लेता है जिसके बाद वो उसे बंद करके वहाँ से लेकर जा रहा था पर इतनी ही देर में एक छोटा सा रैपिट उस ट्रक के ऊपर आता है जिसके बाद वो थोड़ा सा बैलेंस खो देता है और खुम्बा ऐसी फ्री हो जाता है खुम्बा इसी छोटे रैपिट से पूछता है की क्या तुम्हे मैजिकल पॉन के बारे में कुछ पता है पर ये रैपिड खुम्बा को बताता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता बट पत ईगल तुम्हें शायद कुछ बता दे जिसके बाद ये सब लोग ईगल की तरफ निकल पड़ते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैबराज की कॉलोनी में जो पानी था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है जिसके बाद सारे जेबराज ये प्लान बनाते हैं की अब उन्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर उन्हें बहुत सारा पानी मिल सके इसके बाद एक के बाद एक करके सारे जैब्रास बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं पर इन सब को उसी टाइगर का बहुत ज्यादा डर था जिसकी वजह से ये सब लोग एक साथ इकट्ठे आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं दूसरी तरफ खुम्बा अपने दोनों दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ईगल था वहां पर बहुत छोटे छोटे से रैट थे जो की खुम्बा को कह रहे थे कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए बट इतनी ही देर में एक बहुत बड़ा सा ईगल वहाँ पर पहुँचता है और खुम्बा पर अटैक करता है बट वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है की कैसे मैं उस मैजिकल पॉन्ड की तलाश में हूँ अब यहाँ पर ईगल काफी सोचता है और खुम्बा की करने के लिए उसे वो एड्रेस बता ही देता है और साथ में ये भी बताता है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइगर वैली से गुजरना होगा जिसको सुनते साथ ही खुम्बा को बहुत ज्यादा खौफ सा आता है क्योंकि पहले ही वो उस टाइगर से बहुत ज्यादा डर रहा था बट फिर भी वो सोचता है कि इतने आगे आ जाने के बाद मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इस सब के बाद खुम्बा अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि कैसे उसे टाइगर वैली से गुजरना होगा बट वो टाइगर से पहले ही बहुत ज्यादा डरता था और वो समझ गया था कि ऐसे तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी वो अपने दोस्तों को कहता है कि आगे का सफर मैं अकेले ही तय करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की जान को खतरा हो और ऐसा कह कर वो अकेले ही आगे निकल पड़ता है इतनी ही देर में वहाँ पर वो टाइगर भी पहुँच जाता है और वो खुम्बा की खुशबू को ही लेकर इतना ज्यादा कैर था की उसे तो कुछ और ख्याल नहीं आता और वो खुम्बा के दोनों दोस्तों को इग्नोर करता हुआ खुम्बा के पीछे ही चला जाता है पर उसके दोनों दोस्त जब ये देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें खुम्बा का साथ देना चाहिए और वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं आगे तो खुम्बा अकेला ही चलता चलता बेहोश हो जाता है क्योंकि काफी देर से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी यहाँ पर हम उसी एनिमल को देखते हैं जिसकी हेल्प खुम्बा ने बहुत स्टार्ट में की थी और अपने ही जेबरा पॉन से उसे पानी दिया था अब ये एनिमल यहाँ पर खुम्बा की हेल्प करता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है जिसको खाने के बाद खुम्बा में कुछ पावर आती है और वो फिर से उठ खड़े होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुम्भा के फादर को भी पता चल जाता है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है और ये वही रैबिट था जिसने खुम्बा को पहले बचाया था और उसने ही ये बात उसके फादर को बताई थी कि वो कैसे उस मैजिकल पॉन्ट की तलाश में आगे बढ़ रहा है ये सुनने के बाद खुम्भा के फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे ढूंढने के लिए उसी डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता खुम्बा की स्टोरी तो बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी और जितने भी वहाँ पर एनिमल्स थे सब यही सोचते हैं की डर डर के जिंदगी गुजारने का फायदा नहीं हमें भी अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा और अपने डर से आगे निकलना होगा दूसरी तरफ खुम्बा अब उस जगह तक पहुँच जाता है यहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान की वजह से सारे ट्रीज को आग लग जाती है खुम्बा समझ जाता है कि यहाँ तक तो पहुँच ही गया हूँ अब मुझे इसे भी क्रॉस करना होगा जिसके बाद वो जितने भी ट्रीज को आग लगी थी उनको भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है ऐसे ही खुम्बा जब आगे बैठता है तो उसे केव नजर आता है जिसके अंदर वो आराम ऐसी चला जाता है अंदर जाने के बाद उसे वही मैजिकल मेजिकल पॉइंट दिखाई देता है जिसका जिक्र उसकी मॉम ने उसे किया था साथ ही केव के ऊपर एक ड्राइंग भी थी जिसमें उसकी तरह का एक बहुत ही यूनिक सा जेब्रा बना था जिसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ आधी जगह पर स्ट्राइप्स थी वो समझ गया था कि ये उसी तरह के किसी जेब्रे की बनाई हुई है यहाँ पर वो टाइगर भी पहुँच जाता है और खुम्बा से कहता है कि ये पेंटिंग मैंने बहुत पहले भी देखी थी और मुझे पता था कि तुम जैसे जेब्रा बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं तो मैं तुम्हें खा कर बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ थोड़ी ही देर में अब केव के बाहर बाकी सारे एनिमल्स भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर खुम्बा के फादर भी बाकी के साथ पहुँच चुके थे अब अंदर टाइगर को तो बस यही था वो खुम्बा को खा ले और यही डर खुम्बा के फादर को भी था की अंदर ऐसे ही वो टाइगर खुम्बा को खा ना चुका हो अब जैसे ही वो टाइगर खुम्बा के पीछे भागता है खुम्बा यहाँ वहाँ भागने लगता है और इसी तरीके से वो टाइगर एक जगह से दूसरी जगह टकराता हुआ उस फॉलो करने लगता है और ये केव तो बहुत ज्यादा पुराना था और इतनी हलचल की वजह से टूटने लगता है अचानक से ये पूरा केव टूट जाता है और इसके टूटने के साथ ही सारा पानी बाहर फ्लो करने लगता है यहाँ पर अब खुम्बा और वो टाइगर एक बहुत ऊंची सी क्लिफ पर अटक चुके थे जहाँ पर खुम्बा अभी भी उसे समझा रहा था कि ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं हमें एक दूसरे की हेल्प करके एक साथ जिंदा रहना चाहिए बट ये टाइगर तो बिल्कुल पागल हो चुका था उसे लग रहा था कि खुम्बा को खाकर उसे बहुत पावर मिलेगी जिसके बाद वो फिर से उस पर अटैक करता है पर, यहाँ पर थोड़ी सी लगती है। और यही टाइगर, टाइगर के के खुम्बा भी नीचे गिरता है पानी में सारे एनिमल्स को लगता है की खुम्भा अब मर चुका होगा पर यहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है इसके साथ ही खुम्बा को भी होश आ जाता है जिसके बाद सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं अब इन एनिमल्स को एक नई जगह मिल चुकी थी जहाँ पर बहुत सारा पानी था और इस टाइगर का भी डर नहीं था जिसके बाद सारे एनिमल्स यहाँ पर ही हंसी खुशी रहने लगे थे दूसरी वजह ये थी कि खुम्बा की वजह से ही इन सारे एनिमल्स को इतना पानी मिला था तो अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था और खुम्बा भी समझ गया था की वो एक बहुत ही यूनिक जैबरा है और यूनिक होने में कोई बुराई नहीं बस उसने तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से ही काम लिया है जिसके बाद हर कोई हंसी खुशी यहाँ पर रहने लगता है और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है